हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्नेहा शर्मा। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी, एसएससी और अदर एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ जनरल स्टडीज पेपर, यू विल सी द पॉलिटी एज अ मेन सब्जेक्ट एज अ मेन पार्ट ऑफ द एग्जाम। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स, क्या पिलर्स हैं हमारे स्टेट के, हमारे गवर्नमेंट के। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टेट कॉम्पोनेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज लेजिस्लेचर। जो हमारी गवर्नमेंट का फर्स्ट पिलर है वो है लेजिस्लेचर, एंड सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। ये तीनों मिलके हमारी गवर्नमेंट को कंप्लीट करते हैं और उनके डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारा प्रेसिडेंट भी आता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं लेजिस्लेचर में क्या आता है। तो अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर में सबसे पहले आता है हमारा पार्लियामेंट। सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर में काम करता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आते हैं हमारे थ्री कॉम्पोनेंट्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, द अपर काउंसिल एंड द लोअर काउंसिल। पहले आती है हमारा अपर हाउस राज्यसभा एंड द लोअर हाउस लोकसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। दीज आर द अदर नेम्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो यूनाइटेड स्टेट्स में होता है हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, एंड इंडिया में हम फॉलो कर रहे हैं जो हमारी मदर कंट्री थी इंडिपेंडेंस से पहले, यूके ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स की हमने वहाँ से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट होती है और स्टेट और जो हमारा यूनियन है वो मिलके काम करती है, मिलके डिसीजंस लेती है, एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट एट द डिसीजन लेवल बट दे आर इंटररिलेटेड इन टर्म्स ऑफ आर गवर्नमेंट। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल में एग्जीक्यूटिव में कौन आता है। तो सेंट्रल लेवल में एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हमारे आते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ होते हैं हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट सेंट्रल लेवल। ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम मिला के हमारे टोटल हो जाते हैं 15 मेंबर्स। ओके, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आता है, ये हमारा सेंट्रल लेवल में एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करता है। फिर हम बात कर लेते हैं जुडिशरी में। तो जुडिशरी में सबसे पहले आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ आर गार्डियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसको देखना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, सो मैंने पूरी जुडिशरी पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे वीडियोस बना रखी है, सो प्लीज़ गो फॉर इट। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एपेक्स कोर्ट है हमारा। ओके, इंडिया का तो ये एक कोर्ट है जो दिल्ली में है। फिर हम बात करते हैं स्टेट लेवल की। अगर इनके मेंबर्स की बात करें तो राज्यसभा में होते हैं टोटल 250 मेंबर्स एंड लोकसभा में होते हैं हमारे 552 मेंबर्स। ओके, सो लोकसभा कैन बी डिसॉल्वेबल, ये डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे हमारा लेजिस्लेचर जो बनाया है वो है हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो हमारा है स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर है वो कैसे डिवाइड होता है और कैसे काम करते हैं हमारे स्टेट लेवल पे, तो उसके दो फॉर्म्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है वो सारे स्टेट्स की है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कुछ स्टेट्स की स्थगित करी गई है। ओके, सो लेजिस्लेटिव काउंसिल जरूरी नहीं है कि सारे स्टेट्स या यूटीज की होगी। फिर हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल में स्टेट लेवल की। तो इसमें आता है हमारा चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट लेवल। इसमें हमारा यूनियन लेवल एंड इसमें हमारा स्टेट लेवल, तो सीएम प्लस मिला के ये करते हैं इसका काम। तो इसमें हमारा जब यूनियन लेवल की बात करते हैं तो पीएम से ऊपर होता है प्रेसिडेंट,
और सीएम से ऊपर होता है हमारा गवर्नर, जो सारे गवर्न करता है सीएम को क्या डिसीजंस एंड ऑर्डर्स पास करने हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम जुडिशियरी में। जुडिशियरी में स्टेट लेवल पे हमारे हाई कोर्ट्स बनाए गए हैं। ओके, सो टोटल इन इंडिया वी हैव 25 हाई कोर्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर देन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ओके, फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की। लेवल पे कैसे गवर्नमेंट फॉर्म हुई है हमारे इंडिया में? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन मेंटेनेंस करते हैं? हमारा तीन तरह की गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल पे। ये है हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके, म्युनिसिपैलिटी, एंड थर्ड आता है हमारे नगर पंचायत। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर बिग सिटीज, म्युनिसिपैलिटी फॉर स्मॉल टाउन, एंड नगर पंचायत फॉर नगर पालिका और स्मॉल टाउन। सो दीज आर थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव को पे कौन लेता है। ओके, उससे पहले हम देख लेते हैं जुडिशरी में। तो जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जिन्हें हम और क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स, लोअर जुडिशरी भी कहते हैं। सो दीज आर अदर नेम्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी हमारा फर्दर डिविजन है। ओके, तो इसमें आते हैं हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, बिग सिटीज, लार्ज सिटीज के लिए। ओके, तो इसके अंदर भी और डिवीजन है। अगर आपको देखना है तो ये वीडियो भी मैंने बना रखी है इंडियन जुडिशरी फॉर यूपीएससी, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। पूरी जुडिशरी पे मैंने बता रखी है। फिर हम बात करते हैं इसके साथ साथ, ये हो गई हमारी सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है जो इंडियन पॉलिटी में। उसकी बात कर लेते हैं हम विलेजेस के। गवर्नमेंट की बात करें यार, तो विलेज लेवल वी हैव पंचायती राज सिस्टम। जैसे कि आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर, आप देख सकते हो, पंचायती राज सिस्टम। सो दीज आर द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम विच मेंटेन एंड गवर्न आर विलेजेस इन आर कंट्री। सो फर्स्ट इज जिला परिषद, सेकेंड इज पंचायत समिति, एंड थर्ड इज ग्राम पंचायत फॉर आर ग्राम। ओके, सो जिला परिषद मेंटेन्स आर जिलास, एंड पंचायत समिति इज फॉर पंचायत, एंड ग्राम पंचायत फॉर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, क्या हायरार्की है, कैसा गवर्नमेंट सिस्टम है हमारा। ओके, सो फॉर मोर और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।